ऊपर होगा, एक नीचे होगा, पांच ऑर्बिटल होते हैं, तीन जो है एक प्लेन में फैल जाएगा। सोचने का तरीका बनाओ यार, इसका संरचना ऐसे होता, फोटो इसका ये फोटो होता, ये रट लिए, ठीक है पास हो गए, कचरा पास। सक्सेस कहां मिलेगा इसमें? पास होना सक्सेस नहीं कहलाती है। आप पढ़ते हो उसकी जांच परख करते हैं हम परीक्षा में कि आप सचमुच में ज्ञानवान हो कि नहीं हो। वो तो पता नहीं किस आदमी ने ये पेपर बनाते हैं कि वो दो साल पहले के क्वेश्चन पेपर में से कुछ उठा लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लिए, वो क्वेश्चन उठा लिए, यही तो रॉन्ग है। आपको यदि हमने पढ़ाए हैं और आपने वो सब्जेक्ट को पढ़े हैं तो फाइनल ये होना चाहिए कि पेपर बनाने वाला ये सोचे कि मैं चेक करूं, टेस्ट लूं, परीक्षा लूं कि ये बच्चों ने साल भर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जो रिलेट तो करता हो किसे, सिलेबस से, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बच्चे की जांच हो। जांच होता ही नहीं है आप लोगों का, एग्जाम होता ही नहीं है आप लोगों का। वो तो ऐसा है कि अगर आप 100 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में पढ़ लिए तो पास तो होगी, हो गए, रट्टा मार ली, तो दिमाग है ही नहीं उसमें। वो मत करो ना भाई, ऐसे पढ़ाई मत करो ना, पढ़ाई ऐसे करो कि सीख के जाओ। यानी वो 11th पढ़े हो, 11th क्रॉस हो गया मतलब 11th पढ़े हो, प्रमाणित हो, 12th पढ़े मतलब 12th प्रमाणित हो, प्रमाणित नहीं होती, बस पास होना। इसलिए मेरे पास कोई भी बच्चा आता है ना, मैं सर मैं 11th कर चुका हूं, अब 12th पढ़ूंगा, तो मैं ये क्लाइंट हमेशा पूछता हूं क्या आपका 11th सही है, समझ रहे हो, क्या आपका 12th सही है, क्या आपका कॉलेज सही है, क्यों पूछता हूं, समझ में आया? क्योंकि नॉलेज है कि नहीं उसका। तो पास होना अलग चीज है, नॉलेज होना अलग चीज है। आप लोग देखते हो नहीं, ये भैया बीएससी कर लिए, एमएससी कर लिए, यहां पे ट्यूशन पढ़ा रहे, वहां पे कूद गए पढ़ने। अरे भाई उसकी नॉलेज तो चेक करो पहले, आपको सिखा पाते हैं कि पढ़ा पाते हैं कि नहीं। इसीलिए ध्यान रखो, पहले आप सीख लो अच्छे से, टाइम है पूरा का पूरा। बताओ क्या होगा, क्या बताया था, दो, कितना बचा? मैं देखो सोचने का रूटीन बता रहा हूं, कैसे सोचे, एक ऊपर, पांच में से एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, बच गया तीन, तीन जो बचा है बराबर फैलेगा, ऊपर नीचे और फिर बराबर, तीन क्षेत्र मिलते हैं दो, है ना, तो एक ऊपर एक नीचे, सीधा लीनियर, तो ये हो गया। आप सभी व्हाट्सएप चलाते हैं और व्हाट्सएप से आप बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। यदि मैथ्स में किसी तरह का डाउट आ रहा है तो उस डाउट को आप व्हाट्सएप की सहायता से पूछ सकते हैं। नंबर है 8400 400 400। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं डाउट नट से। इसके लिए क्या करेंगे, आप इस नंबर को सेव कर लीजिए डाउट नट के नाम से। मैथ्स में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप में, इसी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के आप उसमें कैमरे से फोटो खींचिए, एक छोटा सा पिक लीजिए, उस पिक में से सिर्फ क्वेश्चन रहना चाहिए, एक्स्ट्रा को निकाल दीजिए, या नहीं कि अपने क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद आप उसे सेंड कर दीजिए, कुछ ही सेकंड में उनका आंसर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपने सेंड किए हैं, अपने डाउट सेंड किए हैं, उस डाउट के आंसर सबसे पहले ऊपर में मिलेगा और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन का आंसर आपको उसके नीचे और भी मिलेंगे, दूसरे चीज, दूसरे वीडियोस का लिंक मिलेंगे। तो आप इस प्रकार से अपने मैथ्स के प्रॉब्लम को पूछ करके अपने मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे ग्रोथ। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे चैनल में कितने वीडियोस ओपन हैं और उन सारे वीडियोस को कैसे आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप YouTube ओपन करिए, फिर इसमें सर्च करिए विक्रम हैप केमिस्ट्री। इस प्रकार से मेरा आइकॉन ओपन हो जाता है और नीचे लिखा रहता है विक्रम सिंह। वैसे मेरे चैनल का नाम विक्रम सिंह है, पर आप विक्रम हैप केमिस्ट्री करके सर्च करेंगे। मेरे फोटो को क्लिक करिए जिससे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। अब देखिए ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा है। होम में क्या होगा कि पूरी जो वीडियोज़ है जो रैंडम में आएगा, यानी आगे पीछे आएगा,
वीडियो में देखेंगे तो जो वीडियो अभी नए नए अपलोड होते जा रहे वो आता है, और अगर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए। प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, इससे मेरे सारे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं उनके सारे वीडियोस उसमें ओपन हो जाएंगे जो वीडियो अपलोडेड है। कुछ प्लेलिस्ट है जो अभी भी उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस जो है अभी अपलोड हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके अपलोड होते जा रहा है और उनको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को ओपन करके सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। नमस्कार।